अच्छा बेटा देखें, वी हैव द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा इसमें एक क्वेश्चन लिख लें, व्हाई डज अल्कोहल गिव। जी मैम, दो ही बच्चे। व्हाई डज अल्कोहल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन डिफरेंट कंडीशंस? Why does alcohol give different products with concentrated sulfuric acid in different condition? तो बेटा अल्कोहल जो है ना कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर कंडीशन चेंज कर दो तो प्रोडक्ट चेंज हो जाती है। पहला देखो कौन सा रिएक्शन है, पहला रिएक्शन है विद हाई टेम्परेचर, एंड द टेम्परेचर इज़ हाई स्पेशली 180 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द कंसनट्रेशन इज़ लो, ठीक है, एंड द टेम्परेचर इज़ हाई। अब देखें अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्कोहल के साथ, इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल ये दिस इज इथाइल अल्कोहल, ठीक है, एंड वी यूज़ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड द टेम्परेचर इज़ 180 डिग्री सेंटीग्रेड, सो एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स आर फार्थर अपार्ट, सो इंडिविजुअली एवरी अल्कोहल विल डिहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वॉट वुड बी फॉर्म्ड, वाटर वुड गो आउट एंड वी विल हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन विल बी फॉर्म्ड। वी स्टडीड दिस रिएक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है, इट इज़ अ वेरी इजी रिएक्शन। But what is the other condition? The other condition is at low temperature. At low temperature what happens? 140 degree centigrade. What will happen? At low temperature molecule would be closer to each other. ठीक है, temperature low होगा तो molecule एक दूसरे के नज़दीक होंगे. What would happen when the molecules are closer to each other? Let's suppose this is 1-ethyl alcohol and this is 1-ethyl alcohol. Again we have concentrated H2SO4, but now the temperature is low, 140 degree centigrade temperature, and because of this molecules have come closer. Now what would happen? Now intermolecularly they would dehydrate. ठीक है? In pairs they would dehydrate. नज़दीक है ना अब, तो नज़दीक आके pair में dehydrate हो रहे हो. As a result water is formed. What else is formed? In the black part there it is CH3, CH2 and O. And in the red part what is left behind? CH2 and CH3. This is diethyl ether. So what we see? What do we see? We see that when the temperature is low, molecules are closer, they dehydrate in pairs and we get ethers. ठीक है? सही है? जब टेम्परेचर कम है तो नज़दीक आ रहे हैं, नज़दीक आके पैर में दे आर डिहाइड्रेटेड, सो दिस इज़ द डिफरेंस। अब देखें दिस द सेकेंड रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन ऑफ ईथर। वी हैड स्टडीड द मैकेनिज्म ऑफ दिस, बट वी विल नाउ स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। इन कंडेंसेशन रिएक्शन वॉट हैपन्स, मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइनिंग टुगेदर एंड दे आर लूजिंग वाटर। ठीक है, जैसे कंडेंस मिल्क नहीं होता, कंडेंस मिल्क में क्या होता है कि मिल्क का बहुत सारा पानी उड़ा देते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं, इसकी वजह से मिल्क के पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। अभी यहाँ भी कंडेंसेशन हो रही है, दो मॉलिक्यूल नज़दीक आ रहे हैं और आप वाटर जो है वो बाहर जा रहे हैं, तो दिस इज नोन एज कंडेंसेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव ईथर। नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव ईथर्स।
कंडेंसेशन ऑफ अल्कोहल्स टू गिव ईथर, ठीक है. एंड वी हैव व्हाट? जस कम इन. वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH एंड इट हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन इज H पॉजिटिव, ठीक है. H पॉजिटिव इज कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन. वालेकुम सलाम. इंक भर दो इसमें, यहीं से भर दो इसमें. अच्छा बेटा देखें व्हाट वुड हैपन. व्हाट वुड हैपन हेयर? दिस लोन पेयर विल अटैक ऑन एच पॉजिटिव. हेयर एच पॉजिटिव एसिड इज अ कैटलिस्ट. बेटा कम हेयर. अभी अभी मैडम ने राउंड लगा गई हैं और मैडम ने कहा इधर आ जाओ. शाबाश. हाँ यासिर तुम भी इधर आ जाओ. या एहसन मेरा बेटा. अच्छा अब देखें व्हाट वुड हैपन. नाउ दिस ऑक्सीजन विल बिहेव एज अ लिविस बेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर. नाउ व्हाट वुड हैपन? CH3CH2OH एंड दिस न्यू एच हैज कम. ठीक है. नाउ दिस इज अ थर्ड बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड थर्ड बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन मेक्स ऑक्सीजन पॉजिटिव. ठीक है बेटा इसको स्टॉप करो, पॉज करो. आ जाइए बेटा, अब आ जाए, आगे आ जाए. आपने बेटा आप देखो कि नाउ द ऑक्सीजन हैज मेड थर्ड बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन मेक्स इट पॉजिटिव. ठीक है. अच्छा बेटा आप देखें अगर गौर करें ना कि कार्बन पे क्या फ़र्क पड़ा है. अगर आप गौर करो ना तो कार्बन वॉज पार्शियली पॉजिटिव ओवर हेयर. वाई? इसलिए कि ये ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव थी. ठीक है. तो कार्बन पहले पार्शियली पॉजिटिव थी इसलिए कि ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव है. और कार्बन अगर जो पार्शियली पॉजिटिव होती है वी से दैट द कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. बट नाउ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव. देखो जब ऑक्सीजन पॉजिटिव होती है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पर बहुत बुरा वक्त है. इसलिए ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सेकंड नंबर पर है ना पूरे वर्ल्ड में. अब जब सेकंड नंबर पर है तो इसके ऊपर ये तो चाहती है कि मैं नेगेटिव हूँ, अब तो ये पॉजिटिव हो चुकी है. सही है. अब क्या होगा? अब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. ये पहले भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रही थी, अब ये और भी ज़्यादा कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगी. तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हाईली पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है. पहले कम पार्शियली पॉजिटिव थी, अब ये ज़्यादा पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगी. व्हाट डू वी से दिस? वी से दैट द प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन एनहेंसेज द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बन. ठीक है. प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा कार्बन. ठीक है. अब क्या होगा? दिस इज फर्स्ट स्टेप. और सेकेंड स्टेप में क्या होगा? नाउ दिस अल्फा कार्बन इज हाईली पार्शियली पॉजिटिव. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हाईली पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर व्हाट वुड हैपन? देखें अब होगा क्या. अब देखें टेम्परेचर इज लो. एज अ रिजल्ट ऑफ द लो टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ द लो टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू ईच अदर. अब क्या होगा? अब होगा ये कि दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल. ये क्या करेगा? इस मौके का फ़ायदा उठाएगा और इट वुड अटैक दिस अल्फा कार्बन हु इज़ नाउ मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. ठीक है. अब ये अल्कोहल क्या करेगा? अल्फा कार्बन पे अटैक कर देगा. क्यों? क्योंकि अब ये अल्फा कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो चुकी है.
अब इसके नतीजे में क्या होगा कि जैसे ही ये अटैक होगा तो फिर क्या होगा, वही पुराना रूल कि नया आएगा तो पुराना तो जाएगा। फिर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है ना, जो पॉजिटिव होती है, वो इस तरह ये बॉन्ड ब्रेक करती है कि ये इलेक्ट्रॉन खुद लेकर जो है वो सेपरेट हो जाती है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेगा तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन सेपरेट हो गए न्यूट्रल हो गए। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट बिहाइंड, नाउ वी आर लेफ्ट बिहाइंड विद, अब देखो क्या रह गया हमारे पास, वी हैव CH3 CH2, दैट ब्लैक पार्ट विच इज़ इन विच द कार्बन वॉस, दिस कार्बन वॉस पार्शली पॉजिटिव, इट हैज़ बीन अटैक्ड बाय ऑक्सीजन, इट हैज़ बीन अटैक्ड बाय ऑक्सीजन, एज अ रिजल्ट नाउ दिस ऑक्सीजन वुड बी पॉजिटिव। अब ये ऑक्सीजन क्यों पॉजिटिव हो गई, क्यों पॉजिटिव हो गई ये ऑक्सीजन, इसलिए कि इसका ऑक्सीजन का थर्ड बॉन्ड है, देख रहे हो, इस ऑक्सीजन का अब थर्ड बॉन्ड हो गया ना, तो अब ये पॉजिटिव हो गई। अब इस स्टेप को अगर आप एनालाइज करें राइट एंड लेफ्ट, देखो दिस वॉज प्लस वन ओवर हेयर, नाउ इट इज़ प्लस वन ओवर हेयर, इट मीन्स द मैकेनिज्म इज करेक्ट। ठीक है, अब क्या होगा, अभी भी स्टेबल तो नहीं है ना सिस्टम, थर्ड स्टेप में क्या होगा, इन द थर्ड स्टेप वी हैव CH3 CH2 एंड ओ CH2 एंड CH3 एंड H। ठीक है, एंड दिस ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से दिस, नाउ वी हैव वाटर, ठीक है, वाटर तो है ना, जाहिर है एक्वस फेज का रिएक्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड है तो उसमें वाटर कम होता है, लेकिन होता तो है ना। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाटर क्या करेगा, इसके ऊपर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव होगी। अब क्या होगा कि ये अटैक करेगा एच पॉजिटिव पर, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एच पॉजिटिव वुड गो आउट। एच पॉजिटिव के जाने का क्या मतलब है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। जब एच पॉजिटिव यहाँ से जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। सो नाउ वी विल हैव CH3 CH2 O CH2 and CH3 and who would go out, H3O positive would go out। ठीक है, H3O positive would go out। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखें, बात सुनो, स्लीव अपने नीचे करो, कार्ड पहनो, तुम्हारा कार्ड किधर है बेटा, यासिर स्लीव नीचे कर लो, कार्ड हैंग करो। अब अगर गौर करो ना इस रिएक्शन में, पहले स्टेप के अंदर एच पॉजिटिव आया और लास्ट स्टेप में एच थ्री ओ पॉजिटिव बाहर चला गया, और केमिस्ट्री में क्या होता है कि एच पॉजिटिव एंड एच थ्री ओ पॉजिटिव आर द सेम थिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि एसिड क्या है, कैटलिस्ट है, कि पहले स्टेप में आ रहा है और आखिरी स्टेप में रीजनरेट हो रहा है, रिकवर हो रहा है ना। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी से दैट द मॉल, नाउ द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल हैव जॉइंड टुगेदर। सो दिस वॉज द कंडेंसेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव ईथर। अच्छा, उसके बाद देखें, नाउ वी कम टू द रिएक्शन इन विच, यू नो इसको स्टॉप कर दो, पॉज नहीं करिएगा, स्टॉप कर दीजिएगा।